सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि ये मसला है, मसले को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस पर काम करना। अगर आप डिनाइल में मसला है, अब ये ना मुंह मोड़ लेते हैं कि अगर ये कॉफी का कप पड़ा हुआ है तो ये पड़ा हुआ है ना, मैं तो मुंह करके कहते हैं नहीं पड़ा हुआ, हमारा वो अलग है, हम डिनाइल में है, डिनाइल में है कि हम मानते नहीं है। तो ये चीजें इम्प्रूव होने वाली है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी कि बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं कि आपके यॉर्कर्स अभी इतने पक्के नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी को वाइड यॉर्कर नहीं आते, ठीक है ना, सोहेल इस पर बेहतर बात करेंगे जब वो आएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है। कहने से को तो यॉर्कर है, लेकिन वो लेग स्टंप, मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप अलग, इतनी सी जगह है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है कि वो लेग स्टंप पे यॉर्कर है या ऑफ स्टंप पे यॉर्कर है या पांचवें स्टंप पे है या वाइड यॉर्कर है आपका। जिस सम टाइम आपको डाउन द लेग साइड ओपन स्टांस के साथ कोई खेल रहा है तो उसको डाउन द लेग साइड बॉल करने हैं, जैसे रजाक खेलता था अपने दौर के अंदर, अब मोस्टली बैट्समैन ऐसे ही खेलते हैं, तो उनको आप जो उनकी टांगों के बीच में है वहाँ पे लेग स्टंप के बाहर यॉर्कर करने, तो माइनर डिटेल्स ये आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है ना, ये इम्प्रूव करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें। तो बात वही है कि पहले आप एडमिट करें कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने ये इम्प्रूव करने हैं। अगर हमने यही कह देना जी जो हमें आता है, जो कि एक डायलॉग पाकिस्तान टीम के अंदर चलता है कि एक मीटिंग होती है जिसमें चीज़ें की जाती है, हमने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, कोच आके बताएगा आपको कि ये रिक्वायरमेंट है, इस मैच में हमने ऐसे जाना है या इस इवेंट के अंदर हमने ऐसे जाना है, ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। साथ में पैरल एक और मीटिंग हो जाती है विदाउट स्टाफ के, भाई जो आता है हमने वही करना है, हम गोरे नहीं है, हम फलाने नहीं है, हमें जो आता है हमने वही करना है, ये माइंड सेट बदलना होगा हमें। सोहेल, ये माइंड सेट बदलना होगा हमें ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से T20 की तरफ शिफ्ट हुई। हम जब 2007-2009 की बात करते हैं, मे बी हम उस टाइम पे इसलिए डोमिनेट कर रहे थे बिकॉज हम अपनी गलियों में खेलते हुए आए थे, T20 क्रिकेट बहुत होती थी पाकिस्तान में। दूसरी जो मुल्क हैं खेलने वाले, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम T20 को सीरियसली लेना शुरू किया और फिर उसको अप्लाई करना शुरू किया, एंड दैट डेटा गेम एंड दिस एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको लगता है कि हम इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट से लैक करने लगे, दूर होने लगे, अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाइब पे जाने लगे बिकॉज हम डेटा का इस्तेमाल नहीं करते उस तरीके से? देखिए, वो जो वसीम भाई ने कहा ना कि पहले तो आप एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप बिल्कुल, जब हमने ये T20 क्रिकेट आई, मेरा कैरियर उसी टाइम शुरू हुआ, तो हम T20 क्रिकेट तो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा उस टाइम भी नहीं होती, लेकिन जो टेनिस बॉल क्रिकेट थी ना, इट्स सिमिलर टू T20 क्रिकेट, जिसमें सिर्फ छक्के लगते हैं, बॉलर ने आके यॉर्कर करने हैं, स्लो वन। तो हमारे जितने भी स्पेशली बॉलर या इवन बैट्समैन जितने भी हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो टेबल क्रिकेट है। हमारी इंडस्ट्री में हर प्लेयर जितने भी, इवन वसीम भाई भी बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बचपन में टेबल क्रिकेट से कन्वर्ट होके तो क्रिकेट बॉल की तरफ आए होंगे, तो हर बंदे ने वो टेबल खेली होती है, तो आपको बेसिक्स पता है जो T20 की है। तो अर्ली ऑन तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, 2007 का जो वर्ल्ड कप था उसको भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, बट ग्रेजुअली जो जो इसमें लीग क्रिकेट इन्वॉल्व हुई, लीग क्रिकेट की वजह से इसमें पैसा आना शुरू हुआ, इट बिकम अ बिजनेस, तो लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया और इसमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना शुरू किया। अभी जो बात डाटा के ऊपर हुई थी ना, तो मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ कि जो मैंने खुद नोटिस की। निकोलस पूरन मिलर, ये दो बैट्समैन थे कि जिनके खिलाफ मैं हमेशा वाइड यॉर्कर करता होता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये वहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जब उन टीमों ने टारगेट करना शुरू किया है, जो भी वसीम भाई बात कर रहे थे ना कि आपकी एक, अब जैसे आलम खान की एक शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर एक एक कमजोरी है, तो ये उनका पता है कि वो इसके ऊपर वर्क करें कोचेस के साथ। तो उन दोनों को मैं, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, उन दोनों को मैंने देखा कि ओवर द इयर्स, अब आप निकोलस पूरन को देखें तो वो एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से भी छक्के मारते हैं। एग्जैक्टली, डेविड मिलर को भी आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आपको छक्के मारते हुए नजर आएंगे। 5-6 साल पीछे जाएं तो वो उनका वीक लिंक था। तो प्लेयर, फिर वही बात, इंडिविजुअल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपनी गेम को ओवर द ईयर बाय द टाइम इनहांस करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपने जो वीक लिंक है, वीक जोन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपने कम्फर्ट जोन में नहीं रहते, हम लोग अपने कम्फर्ट जोन में रहते हैं। बॉलिंग की अब वसीम भी बात कर रहे थे, तो आप देखें कि हमारे सारे बॉलर आते हैं वो स्टंप्स के अंदर ही यॉर्कर मारते हैं कि हमने विकेट लेने जाना है। सम टाइम ये जो
आखिरी के ओवर जो खासकर होते हैं उसमें अगर आप डिफेंसिव बॉलिंग भी करें तो टीम के लिए वो अटैकिंग बॉलिंग होती है, क्योंकि आखिरी के चार ओवर अगर आप कर रहे हैं और आप 7-8 रन का ओवर करके दे देते हैं तो ये 2 विकेट लेके 15 रन देने से बेहतर है, ठीक है। तो लॉजिक आपको देखनी पड़ती है। हम आते हैं स्टंप्स में यॉर्कर करते हैं, कोई बंदा नहीं देखता यार कि वाइड यॉर्कर करना है। वो जो वसीम भाई बात कर रहे थे कि क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन तो खेलते हैं, रजाक भाई की एग्जांपल उन्होंने दी, तो जो फ्रंट लेग है उसको ओपन करके लेग साइड भी ले जाते हैं। तो मैं नहीं देखता कि हमारे बॉलर जाके उसको फॉलो कर, मुझे नहीं लगता कि होमवर्क भी करके आते हैं कि नहीं, वो सोच के आते हैं। प्लेयर का स्टांस, आप प्लेयर का स्टांस देखें ना तो आपको क्लियर आइडिया हो जाता है यार इसका क्या वीक लिंक या स्ट्रॉन्ग जोन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पर वो शायद वो वर्क भी करके आते हैं कि नहीं। मैं तो करता था, मैं तो बैट्समैन, मैंने कल भी बात की थी, तो बैट्समैन के स्टांस मैं विजुअलाइज करता था यार कल इसको मेरी बॉलिंग इसके सामने आ सकती है तो उसका क्या वीक क्या स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इंसान अपना कोच सबसे बड़ा खुद होता है, आपने अपनी गेम के ऊपर करना होता है। सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट इसीलिए उसका नाम सपोर्ट स्टाफ रखा है कि वो दे आर देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। करना आपने खुद आइडेंटिफाई चीजें होती हैं, उस पर काम आपने विलिंगनेस आपने खुद शो करनी होती है यार कि मैंने इसके ऊपर काम करना है। बट इफ यू सेटिस्फाइड कि ठीक है पता है दैट इज इनफ तो फिर ठीक है। वसीम साहब, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की कप्तान साहब ने, और अभी जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ये एक तरह से मीटिंग होती है, उसके बाद एक मीटिंग और हो जाती है, मीटिंग पर मीटिंग हो जाती है कि ये नहीं हम ऐसे ही खेलेंगे। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम ये जो अभी पॉडकास्ट जा रही हुई ना उसकी चीज़ें हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट हमें खेलना पड़ेगी, लेकिन 4 साल से आप उस जगह पर रुके हुए हैं कि जहां पर आपने अपनी खेल में कोई बेहतरी नहीं लाए। निकलस पूरन, डेविड मिलर की मिसाल अभी दी सुहेल साहब ने, वहाँ पर बेहतरी आ गई और आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने से अब बात कर रहे हैं एंड वर्ल्ड कप से पहले। फिर आप ये कहते हैं कि हम मालूमात ले लेंगे उससे पहले और वहाँ जाकर समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या होना है, लेकिन मालूमात से तो इनकार भी कर रहे हैं खुद ही खुद ब खुद। तो ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ें रुकी हुई हैं, मतलब वो कम्फर्ट जोन है वो, मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान और सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं उनकी अपनी ज़ात कहीं ना कहीं आ जाती है कि मेरी जो मैं चाह रहा हूँ मैंने वही चाहिए, मतलब टीम रुकी हुई है ना एक जगह पर। हम वर्ल्ड कप के लिए जैसे आपने कहा इफ्तखार उनकी लिमिट है जी, वो फास्ट स्पिन बॉलिंग के खिलाफ अच्छा नहीं खेलेंगे, आज़म की लिमिट है वो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छा नहीं खेलेंगे, फ़खर की लिमिट है जी उसको आप ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे वो वहाँ पर अच्छा नहीं खेलेगा, बाबर और रिजवान की लिमिट है ये जी ये 6 ओवर के बाद 7वें ओवर से शुरू हो जाएंगे या बड़े शॉट्स नहीं खेल पाएंगे। तो दुनिया की किसी और बड़ी टीम की बात तो ऐसे नहीं हो रही, तो ये मसला कहाँ पर रुका हुआ है? सबसे पहला एक्सेप्टेंस वाला वर्ड है ना, और दूसरा सीखने वाला। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, समटाइम आप बात कर जाते हैं, आजकल हर बंदा मॉडर्न क्रिकेट की बात करता है, आधों को नहीं पता होगा मॉडर्न क्रिकेट है क्या, क्या फर्क आया है पुरानी ट्रेडिशनल क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट में। दस दफा इंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंटेंट का वर्ड यूज होता है, मॉडर्न क्रिकेट का वर्ड यूज होता है। डू वी नो इसका मतलब क्या है? पहले वो समझना जरूरी है, इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। ये दो चीज़ें, अब जो एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं, देखिए इंग्लैंड में जब चीज़ें चेंज हुई थी 2015 का वर्ल्ड कप उनका डिजास्टर था, आई थिंक फर्स्ट राउंड से वो बाहर हो गए, उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट कुछ चेंज की, मैकलम उसके बाद आए थे, तो उस टाइम पे उनकी एक जो कमेटी बैठी थी जो क्रिकेट कमेटी थी या उनके जो थे, उन्होंने चीज़ डिसाइड की थी उसमें जी कि हमने अपना खेलने का अंदाज चेंज करना है, हमने इंग्लिश वे से हटना है, हमने मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर आना है। तो उस टाइम आई थिंक एंड्रू स्ट्रॉस कैप्टन थे, मेरा ख्याल है वही थे कैप्टन, उन्होंने कैप्टन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की कि हम इस तरह फियरलेस रूथलेस क्रिकेट हमने खेलनी है विदाउट फियर ऑफ फेलिंग, कि हमने हार जीत का हमें नहीं है, हमने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वो कैप्टन ऑन बोर्ड नहीं हुए, बिल्कुल उसने कहा जी नहीं मैं नहीं ये कर सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैप्टन चेंज किया, वो इयन मॉर्गन को लेकर आ गए, इयन मॉर्गन आया, उन्होंने वहाँ से वो क्रिकेट खेलनी शुरू की। बात विजन की प्लानिंग की होती है, 2019 में क्या हुआ, उन्होंने वर्ल्ड कप आके जीता, फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप उन्होंने उधर ही प्लान कर लिया जिस तरह हम खेलते आ रहे हैं और सदियों से खेलते आ रहे हैं। ये नहीं चला, हमने इसको चेंज करना है, तो एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड। तो हमारा मसला ये है कि हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं होता जी, हम आप ये कर लो आप ये कर लो आप ये कर लो, क्या वो सारे बंदे उनका विजन एक जैसा है, क्या डायरेक्शन हमारी एक जैसी है,
वहाँ पे मसले आते हैं कि भाई ये तरीका है, हमने एक तो हम बनाते नहीं है कि जी हमने क्या खेलना है, अभी डिस्कस करते हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट। सॉरी, अब ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक बंदा एग्री करेगा, दूसरा आपका कर ही नहीं रहा है, तो कैसे एक तरफ चलेंगे ये दोनों।